हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से ही करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब लिखेंगे dy वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन रूल अप्लाई। अगर ये दो वैल्यूज इस तरह दी होती तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर या कुछ भी दिया होता तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते थे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्केयर, तो उस सूरत में भी जा सकती थी। लेकिन ये उसमें तब्दील नहीं हो रही, जो आप ये ना समझ लीजिएगा इसमें वो फार्मूला लग रहा है। तो इस पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। यही होगा कि नीचे वाली वैल्यू का नीचे आपने स्केयर ले लेना है, नीचे वाली वैल्यू आपने बाहर निकाल देनी, ऊपर वाली वैल्यू का आपने डेरिवेटिव लेना है, एक्स का सेंटर में माइनस, ऊपर वाली वैल्यू बाहर और नीचे वाली वैल्यू को आपने डेरिवेटिव फाइंड। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसका आपका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सेंटर में माइनस, ये एक्स वैसे ही आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आता है और बटे में आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट में चलता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जारी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम डेरिवेटिव इस एक्सपोनेंशियल को फाइंड करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका ई रेज टू पावर एक्स ही डेरिवेटिव आ जाएगा। बाद में क्या करते हैं, जो इसकी पावर दी गई होगी उसका दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं सवाल की जानी। हमारे पास पहला सवाल मौजूद है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा x आ रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया कि इसका वैसे का वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ देना है, जो इसकी पावर होगी उसको दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ई रेज पावर एक्स स्क्वायर सेम वैसे ही डॉट एक्स स्क्वायर। अब इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस किया, अब फिर पावर को हटा देंगे, जस्ट वेरिएबल का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा डी एक्स ओवर, ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास इसका आंसर बन गया 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये सवाल भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों दिए गए हैं और इसके अंदर क्वेश्चन रूल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सवाल यूँ है कि वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। तो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिक्र भी आपने इधर लिखना है, लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। तो फार्मूला वही, लॉग का क्या होता है, डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। तो ये एक्स की जगह पर हमारे पास ये वैल्यू है ई रेज पावर एक्स प्लस 1 ई रेज पावर एक्स माइनस 1। हम अब लॉग को छोड़ देंगे, इसको हम नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग। अब आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे किसका, इस वाली वैल्यू का, ई रेज पावर एक्स प्लस 1 ई रेज पावर एक्स माइनस 1। अब ये बटे के नीचे बटा आ गया, तो हम इसको 1 के साथ लेके चले जाएंगे, उल्टा देंगे, ई रेज पावर एक्स माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ब्रैकेट, और इस पर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो आपके पास है ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 सेंटर में माइनस, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ हम लेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ब्रैकेट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स का मैंने आपको बताया कि वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही आ जाता है डेरिवेटिव, फिर इसकी पावर का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि इसके साथ जो 1 मौजूद है इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मनफी ई रेज टू पावर एक्स माइनस सॉरी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ई रेस्ट पावर एक्स वैसे ही वैसे आ जाएगा, माइनस 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 और इसका ये स्क्वायर, ये वैल्यू इसके साथ
सेम आ रही है, ये इसके स्केयर को कैंसिल कर देगी, उसको आपने शॉर्ट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट भी कर देते हैं ज़रा, 1 over e raised to power x plus 1 bracket e raised to power x को e raised to power x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा e raised to power 2x माइनस e raised to power x, तो ये बन जाएगा मनफी e raised to power 2x माइनस 1, बटे में आ जाएगा e raised to power x माइनस 1। ये वाली माइनस की है, ये जमा की, आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ पर आ रहा था e raised to power x, तो ये e raised to power x और ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं, इनको आप जमा करें तो मनफी 2 e raised to power x आ जाएगा। ये वाली a बन रही है a जमा b और ये बन रहा है a माइनस b, तो ये फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2 वाला। तो आप इसको लिख सकते हैं e raised to power x इसका भी मुरब्बा मनफी 1 का भी मुरब्बा, तो मनफी e 2 e raised to power x over e raised to power 2x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व करना है, इसकी बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझसे पूछना है, मैं एक और इसके मतलब का सवाल करता हूँ जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग का भी इस्तेमाल इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि हमारे पास एक सवाल मौजूद है, पावर की सूरत में दिया गया है ई रेज टू पावर टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स, आपने इसको क्या करना है वाई के इक्वल लेट करना है। अब आपने इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल यूज किया गया है, आप लिखेंगे इसको डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू ई रेस्ट पावर टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स। ई रेस्ट पावर सेम वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है सेम इट एज वैल्यू होता है, आप इसको लिखेंगे टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स। अब हमने एक्सपोनेंशियल का नहीं बल्कि इसकी जो पावर है इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स, ई रेस्ट पावर टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स डॉट या ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, दो कॉन्स्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, और नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वन के बटे में जाता है, तो आप इसको लिखोगे टेन फाइव एक्स। अब हमने नेचुरल लॉग का भी डेरिवेटिव ले लिया तो पीछे इसके साथ ये जो वैल्यू बचती है इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू टेन फाइव एक्स, और ये आ रही है वैल्यू टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना चाहे तो टू ई रेज टू पावर टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स बटा ये वाली वैल्यू लिखेंगे आप टेन फाइव एक्स। अब टेन फाइव एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्केयर एक्स, तो एक्स हमारे पास आ रहा है फाइव एक्स, ये आप लिख देंगे। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो जो इसका थीटा होगा इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो है हमारे पास फाइव एक्स। तो जब आप फाइव एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो वो पाँच आ जाएगा, तो पाँच को आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं चाहे एंड पे लिख दें कोई मसला नहीं है, टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन फाइव एक्स ओवर टेन फाइव एक्स डॉट सीकेंट स्केयर फाइव एक्स डॉट फाइव। अब चाहे तो ये पाँच आप स्टार्ट में भी लिख दें, तो मैं इसको स्टार्ट में लिख देता हूँ, तो इसको दो को कर देता हूँ दस, तो इस तरह से ये आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ तक आपने इसको फाइंड करना है, और किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी होने पर रब्ता कर सकते हैं। मैं एक और भी सवाल करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप किसी किस्म का